हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज इस वीडियो में हम उन पर्सनालिटी के बारे में उस पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने इंडिया को आईटी के सेक्टर में बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो उन्होंने इंडिया में रहते हुए इतनी नॉलेज होते हुए भी ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू सर्व इन अनदर कंट्री एंड गेट मैक्सिमम इनकम बट उन्होंने इंडिया में रहते हुए इंडिया को टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से बूम हासिल मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके से उस मुकाम तक पहुंचा दिया इंडिया को जहां पे हमारे यूथ को बाहर के देश वाले हायर कर रहे फॉर देयर फॉर देयर कंट्री प्रोग्रेस तो इस तरीके से एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इंडिया में रहते हुए इंडिया को इंडिया के आईटी सेक्टर में बहुत सारी डेवलपमेंट की है तो उनको हम फादर ऑफ़ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया भी कहते हैं वो थे फकीर चंद कोहली जिनका जन्म हुआ था 19 मार्च 1924 में और वो रिसेंटली पास हुए हैं ऑन uh, 26 नवंबर 2020 एट द एज ऑफ 96 इयर्स। उन्होंने अपने जीवन का 51 इयर्स दैट्स नॉट अ दैट्स अ लॉन्ग टाइम जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया आई सेक्टर के इंडिया के टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट दिलाने के लिए उन्होंने अपने फिफ्टी वन ईयर्स कॉन्ट्रीब्यूट किए ही हैज़ फोकस्ड उनका सोचना ये था कि हमारे इंडिया के इंडिया में आईटी का मार्केट इतना अच्छा है उतना किसी और देश में नहीं है हमारे यूथ हमारे यूथ के पास इतना वास्ट नॉलेज है कि वो उस उस नॉलेज का यूज़ करते हुए नई नई टेक्नोलॉजी क्या कर सकते बना सकते हैं इंडिया में ही रहते ही बट हमारा यूथ क्या है वो अब बाहर देश बाहर देश में जा रहा है इन द सेक ऑफ मनी मनी के सेक में वो क्या जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं यहाँ पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है बट ही इज हु क्रिएटेड उन्होंने क्रिएट किए जॉब अपॉर्चुनिटीज इतने जॉब क्रिएटर्स ही उन्होंने इतने जॉब्स क्रिएट किए कि इंडिया का यूथ इंडिया में रहते हुए अपने आईटी सेक्टर को क्या कर रहा है बूम कर रहा है डेवलप कर रहा है उनका जन्म जैसे मैंने बताया उन्नीस 19, मार्च 1924 ट्वेंटी फोर में हुआ था ब्रिटिश इंडिया में जो पेशावर में ब्रिटिश इंडिया में जो पेशावर है वहाँ पे हुआ था एंड वो उस टाइम पे 1969 सिक्सटी नाइन में उन्होंने टी सी एस टी सी एस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सेटअप किया था किसकी हेल्प के थ्रू जे आर डी टाटा के हेल्प में जो उस टाइम पे उस चेयरमैन थे उसके उन्होंने उनके साथ मिलकर टी सी एस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट किया था और वो उसके फाउंडर और सीईओ भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे 1969 में उन्होंने वो सेटअप किया था जैसे वो सेटअप किया देर आर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग यूथ उनके लिए यूथ के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई वो अपनी नॉलेज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर करने का एक ज़रिया मिल गया था उनके जो एजुकेशन थी वो थी क्विंस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से किया था उन्होंने बीएससी, उन्होंने एमआईटी एमएस से किया था और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से उन्होंने बीएससी और बीए किया था उनको उन्होंने पद्म भूषण ही गॉड द अवार्ड पद्म भूषण इन टू थाउजेंड टू उनको वो एक ऐसा एज एज अ ट्रिब्यूट दिया गया था कि उन्होंने इंडिया को क्या कहते एक पाइनरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन uh, था उनका आईटी इंडस्ट्री का इंडस्ट्री में इंडिया के लिए तो उनको पद्म भूषण से नवाजा गया जैसे कि उनके नाम पे एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था आईटी टी रेवोल्यूशन इन इंडिया टू थाउजेंड में उनके नाम से ये बुक पब्लिश की गई थी कि उनका कि उन्होंने किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट की अपनी लाइफ फॉर द आई टी इन इंडिया उनका कहना था कि हमारे जो यूथ है हमारा यूथ है वही जो बेसिक उनकी जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए हम किस तरीके से मॉडिफाई करते हुए अपने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से चेंज कर सकते उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा था कि हमें अपनी यूथ का डेवलपमेंट करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट इजीली हो जाएगा इस तरीके से उन्होंने हमारे आईटी सेक्टर को इन द प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से आज का वीडियो हम यहीं पे एंड uh, करती हूँ टू नो अबाउट मोर तो आप क्या कर सकते हैं उनके बारे में और सर्च कर सकते हैं कि वो किस तरीके के इंसान थे उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया ये तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी है बट यू कैन सर्च अबाउट हिम बिकॉज हमारे इंडियंस बहुत ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल है दे आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन एवरी फील्ड यही नहीं कि आई टी सेक्टर में ही दे आर कंट्रीब्यूटिंग इंडिया ने इंडिया को हर एक इंडियन ने बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है दे मेड अस प्राउड तो यू कैन सर्च अबाउट देम एंड दैट इज फॉर टूडे थैंक यू